अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने विला की जो फुटिंग है उसकी पीसीसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, एक्सवेशन के बाद पीसीसी होती है, तो अब पीसीसी हो चुकी है और उसके बाद अब जो फुटिंग है उसका स्टील रेडी करेंगे और फिर इसके बाद स्टील को लगाएंगे इस जगह पे। कई लोग क्या करते हैं, पहले शटिंग करते हैं और बाद में स्टील रेडी करके उसमें रखते हैं। कई लोग पहले स्टील रखते हैं और बाद में शटिंग रेडी करके उसमें रखते हैं। तो इसके बाद जब स्टील रेडी और शटिंग रेडी हो जाएगी तो उसके बाद फिर म्यूनसिपलिटी में अप्लाई करेंगे। विला की जो फुटिंग है उसकी भी पीसीसी कंप्लीट हो चुकी है और साथ में जो बाउंड्री वाल है उसकी भी जो फुटिंग है उसकी पीसीसी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, ये जो है ये बाउंड्री वाल है उसकी पीसीसी हुई है। ये सारी, ये देखें, तो ये हमारे जो विला है उसकी बाउंड्री का ये एंड पॉइंट है और उस जगह पे एंड पॉइंट होता है। ये जो मार्किंग होती है ये म्यूनसिपलिटी आपको करके देती है, उस हिसाब से फिर आप लेआउट करते हैं। मतलब बाकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।